बैक टू माई चैनल। और आज हमारा कुछ डिफरेंट करने का प्लान है, तो लंच को ले लेते हैं। अच्छा आ जाओ। तो हमारी छोटू एंड मी मिल के ये वाला जो रूम है, हमारा दूसरा रूम है, उसको हम जा रहे हैं थोड़ा चेंज करने। तो कुछ चीज़ें हमने खरीदी है, सो एपिसोड वाइज इसको शायद हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये वाले रूम को आधा आधा ठीक करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में बताएंगे कि हमने और क्या क्या चेंजेस किए। तो उसके लिए अभी हमने ये खरीदी है, दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हमने ये एक वार्डरोब लिया, ओके, ताकि हम इसमें मेहमान के कपड़े रख सके। ये बहुत सारे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, मैं सो रखा है। और अब ये प्लान है कि ये वाली जो टेबल है इसको पूरा हटा के हम इसको इधर रखेंगे, ओके। और ये सब जाएगा कबाड़ इधर, तो ये पूरा बहुत मेसी हो रखा है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। ये सब कुछ चेंज होगा। मीवांश को मैंने बोला था अपने टॉयज़ फटाफट से, जो तुमने यहाँ फैला रखे हैं, ये पूरा उसके टॉयज़ का बैग है। सो ये ही इज़ हेल्पिंग मी। तो बहुत एक्साइटेड है कि चलो हम मेकओवर कर रहे हैं, रूम का मेकओवर कर रहे हैं मतलब। सो अपने स्टाइल से कुछ डाल के हमें इसको चेंज करना है। तो फिलहाल हम अभी इस पोर्शन पे कंसंट्रेट करेंगे। ये डस्टबिन यहाँ से हट जाएगा, ये पूरा मेरा किचन सेट है छोटा सा, वो हट के इधर शिफ्ट होगा। तो कैसा लगता है, हम लोग क्या क्या चेंजेस करते हैं, वी विल सी। तो शुरुआत से शुरुआत करके धीरे धीरे मैंने सारा सामान हटाया और उसको सॉर्ट करा अपनी अपनी जगहों पे। जो भी फालतू का सामान था वो मैंने हटा दिया, क्योंकि बहुत बार हम बहुत सारा सामान रखते जाते हैं बट उनको बढ़ पाया। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि ये रूम मेकओवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत टाइम तक जब आप सेम तरीके से रहते हैं ना, तो बहुत मोनोटोनस सा, बोरिंग सा हो जाता है। तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा कलर्स भरने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए कुछ चेंज करते रहना चाहिए। हमने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया है अभी, लेकिन हमने धीरे धीरे हम उस चीज़ पे आ रहे हैं कि हम इसको स्लोली कैसे हम चेंज करेंगे, क्या क्या हम नई चेंजेस लाएंगे। क्योंकि मैंने अपने दिमाग में कुछ इस रूम का सोच रखा है कि मैं किस तरह से इसको फाइनली सॉर्ट करूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं खरीद रही हूँ। बट हाँ, हमें ज़रूरत थी स्पेस की, बिकॉज मेहमान स्कूल भी जाने लग गया है, तो उसके बुक्स की जगह उसकी पढ़ाई करने के लिए, और मेरे को मेरे वीडियो शूट करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से सिस्टमेटिक हो, रूम में स्पेस भी हो, अच्छा भी लगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा हम चीज़ों को चेंज करते हैं। ये वार्डरोब ने बहुत सारी चीज़ें मेरी सॉर्ट कर दी, क्योंकि हमें स्पेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रखा था, क्लोथ्स के लिए स्पेशली कपड़े रखने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो हर जगह हमेशा पहले रह जा रहे थे। इसलिए फिर मैंने बहुत सारे बैग्स ला के इस, और सबसे पहले ये वार्डरोब को सेट करा है। और इसी वार्डरोब के ऊपर वाले ड्रॉअर में मैंने अपने किचन का आइटम बहुत सारा रख दिया, तो वो भी सारी चीज़ें अंदर छुप गई हैं। तब आप देख सकते हो कि वो जो मैसी टेबल थी उसकी जगह ये टेबल कितना अच्छा लग रहा है। छोटा सा ब्रेक लिया था, भेलपूरी ब्रेक, क्योंकि काम कर करके थक गए थे, सुबह से लगे हुए थे, और पूरा दिन हम इस रूम को सेट करने में लगे, क्योंकि बीच में तो मुझे इस रूम की हालत देख के ऐसा समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत करूँ तो कहाँ से करूँ। पर फिर भी हम दोनों लगे रहे फुल डे, हमारी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी, क्योंकि एंड में जब हम इस रूम को देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, यह बहुत सुंदर दिख रहा है। बट तब तक के लिए सारी चीज़ें उठा उठा के मैं इधर उधर में पाँच मेरे साथ लगा हुआ था। अच्छा साफ सुथरा घर किसे नहीं पसंद है, और जब आपका घर सुंदर हो, क्योंकि मेन तो हमें रहना अपने घरों में, कहीं भी हम घूम कर आए तो जो आराम हमें मिलता है वो अपने घर में, जो सुकून है वो सिर्फ अपने घर में मिलता है, वो कहीं किसी भी 5-star होटल रिजॉर्ट कहीं नहीं मिलता। क्योंकि जो आप जब घर आते हो तो जो फीलिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। इसलिए अपने घर को ही आप सुंदर बना सकते हो, कंफर्टेबल बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो कि आपका घर में रहने का भी मन करे और कोई आए तो उसे देख के भी अच्छा लगे कि हाँ कितना अच्छा है, कितने छोटी सी जगह में ही कितना अच्छे से सब कुछ सॉर्ट कर रखा है। ये जो मेस था ना, बाप रे बाप, जब ये सॉर्ट हुआ था, जब ये सारी चीज़ें मैंने वापस रखी हैं, रात को फाइनली वो कमरा देखने में इतना अच्छा लगा था कि वाओ, ये हमारा रूम है फाइनली कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हम ये लगे पड़े थे सुबह से सारी चीज़ें। इसी के बीच में मुझे ऑब्वियसली खाना भी बनाना था, और आज मैंने एक्सपेरिमेंटल के मूड में थी शायद, मुझे लग रहा था, तो आज मैंने खाने के साथ भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने लिया प्याज, टमाटर, सारी मसालों को लेके थोड़ा सा चॉप कर लिया, आलू को ले लिया, मटर ले ली, टमाटर प्यूरी बना दी, और मैंने लिया है सोया ग्रैनुल्स लिए, तो वो लेके मैंने सोचा था कि मैं इसको कटलेट्स टाइप सा कुछ बनाऊंगी, मतलब कोफ्ता टाइप, आई थिंक कोफ्ता टाइप, कुछ क्रिस्पी से कोफ्ते बन जाएंगे, मैं ग्रेवी बना लूंगी और फिर क्रिस्पी सा कोफ्ता बनाएगा,
आलू उसके ऊपर जो कोटिंग लगेंगी वो सोया की लगेगी, लेकिन पता नहीं जब मैंने ट्राई मारा ना तो वो हुआ नहीं, वो अच्छे से ना चुपके नहीं उसके अंदर। मैंने बॉयल्ड आलू लिए थे तो उसको जैसे हम आलू का मावा बनाते हैं उसी तरह मैंने आलू के अंदर सब सारे मसाले प्याज व्याज डाल के उसकी टिकिया टाइप बना ली थी, और मटर भी ले ली थी ताकि वो ग्रेवी में थोड़ा मटर भी रहे तो थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो। मैंने सोचा तो बहुत ही अच्छा सा था, लेकिन वो पता नहीं मैंने सोचा कैसे बनेगा, तो मैं अपनी एक्सपेरिमेंटल उसमें लगी रही थी। तो उस दिन मैंने सारा दिन ही मेरे एक्सपेरिमेंट का था। मैं पहले तो रूम के साथ मेकओवर कर रही थी, उसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि कहाँ क्या चीज़ें रखनी है, फिर शायद मैंने खाने के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। ऑल दो एंड में सब कुछ अच्छा ही हो गया था। तो हाँ, आलू की टिकिया भी मेरी बन चुकी है, देख सकते हो आप, मैंने ऐसे गोल गोल बनाया, इससे में बहुत टाइम लग गया, पर जब मैं इसको चिपका रहे थे तो नहीं स्टिक हो रहे थे। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया, क्योंकि जब मैंने इसको तला तो वो सही नहीं आ रहे थे। मैंने पीस के उसका पाउडर बना लिया और मैदा ले लिया ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, और उसके बाद जो मैंने कटलेट्स बनाए थे वो अमेजिंग बने थे। ये मेरा रूम फाइनली मेकओवर हो गया है, चीज़ें मैंने रख दी है सॉर्ट आउट, सारी चीज़ें इधर उधर सब बैग वैग अंदर करके, और स्पेस काफ़ी सारी निकल आई जो हमें इतने टाइम से नहीं दिख रही थी। सब कुछ अंदर सेट हो गया, जो काम की चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ है, और जो हमारे विंटर वेयर्स हो गए या जो भी हमारे जो काम की चीज़ें नहीं है वो मैंने बैग से अंदर करके उसको अंदर की साइड कर दिया है। बाद में मैंने इसको और थोड़ा अच्छा किया, इसमें मैंने सेटिंग करी है, क्योंकि फिर मैं उस दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी, रात हो गई थी, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे आप देख सकते हो मैंने क्या किया। सो गाइज, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये जहाँ पे चेयर लगा दी है, ये हमने बीन बैग को थोड़ा अच्छा कर दिया सेटिंग करने के लिए। ये मेरा हो गया है सेटअप, यहाँ पे मैं अपने वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, तो आगे वाले वीडियोस में आप मुझे यहीं बैठा हुआ देखने वाले हैं। इसको मैंने चादर से कवर कर दिया है, यहाँ पे मैं वहाँ का बैट रखा है, थोड़ा सा सामान ऐसे करके तो सॉर्टेड हो गया है। यहाँ लगा दी है कारपेट, ये मेवाज की बुक्स रखी हुई है, बिकॉज ही वो स्टडिंग, स्कूल जाता है अब वो। सो या, दिस इज माई रूम मेक ओवर। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय, टेक केयर।